फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भक्ति निशा टूरिज्म। हम तांदुला डैम में आ गए हैं। ये तांदुला डैम है, बालों के पास है, बालों देख जिला है। और ये है तांदुला डैम, काफ़ी बड़ा डैम है। और उसके पीछे ये नहर है, तांदुला नहर कहते हैं। तो आपको दिखाते हैं तांदुला डैम कितना बड़ा है। काफ़ी बड़ा है डैम तांदुला डैम। ये ऊपर का सीढ़ी है जाने के लिए, और ये पूरा पार बना है। देखिए पीछे कितना बड़ा पार है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आगे आपको दिखाते हैं, और हमारे चैनल में जुड़े रहिए। तो आगे का नज़ारा कैसा है मैं दिखाता हूँ आपको, बने रहिए हमारे वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म। आज हम बालोद आए हैं, और बालोद का ये प्रसिद्ध डैम है। आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सा डैम का बात कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा डैम है, और यहाँ पर बोटिंग की जाती है। ये देखिए, ये उसका नहर है, गेट बना है यहाँ पर। और ये पीछे का नज़ारा है, ये देखिए नहर है ये, जिसे सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। और ये समूचा एरिया जो है पूरा डैम का है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और दिखाते हैं आपको कि ये डैम कौन सा डैम है, मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, इसका जो क्षमता है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो है 43 फीट का। और अभी है 24 फीट तक पानी है, और ये है 43 फीट तक भरता है, यानी आधा पानी है अभी। और ये आगे जाने का है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है इसे। और ये डैम का पूरा हिस्सा है, और ये पूरा बारे बनाई गई है डैम को रोकने के लिए। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और राकेश है फ्रेंड मेरे साथ इस ब्लॉग में, और समझ गए होंगे कि मैं कौन से डैम का बात करूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तांदुला डैम है, और ये काफ़ी बड़ा है तांदुला डैम। इससे पहले हम खरखरा डैम गए थे, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, काफ़ी दूर तक पार बनाई गई है, और फॉग होने के कारण विजिबिलिटी कम है, धुंध होने के कारण विजिबिलिटी कम है। काफ़ी धुंध है मित्रों, नहीं तो हम आपको दिखाते कि डैम वास्तव में कितना बड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर बोटिंग की जा रही है, साफ साफ दिख रहा है बोटिंग। और काफ़ी बड़ा डैम है, यहाँ पर देखिए बोटिंग की जा रही है। इच्छुक जो भी पर्यटक हैं, वो यहाँ घूम सकते हैं हायर करके। एक और बोट यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी बड़ा बोट। और ये यहाँ पर और भी बहुत सारी बोटें हैं, ये देखिए, क्योंकि डैम बहुत बड़ा है तांदुला डैम। और वहाँ पर बहुत सारी रिजॉर्ट बनाई गई है, जहाँ पर पर्यटक जो है रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं शाम रात को। ये देखिए, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है इस एरिया में। तो फ्रेंड्स, हम तांदुला डैम में हैं, और ये समूचा एरिया तांदुला डैम का है। और तो फ्रेंड्स, हम तांदुला डैम में हैं। तांदुला डैम जो है बालोद जिले से काफ़ी नज़दीक है, झलमला गंगा मियाँ जाने वाले मार्ग में है, धमतरी जाने वाले मार्ग में है। और हजारों एकड़ में ये फैला है, और 47 फीट तक इसमें पानी का क्षमता है भरने का। और अभी पानी कुछ कम हो गया है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा पानी है। और ये देखिए, छुट्टी का समय चल रहा है अभी, और काफ़ी लोग आते हैं शाम तक यहाँ घूमने के लिए, काफ़ी भीड़ रहती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम और आपको दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो दिखा सकें। और हमारा जो भी वीडियो आएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए मित्रों, ये है तांदुला डैम, बहुत ही बड़ा डैम है, और यहाँ पर बोटें चलाई जा रही है। ये देखिए, ये बोट है, काफ़ी लोग बैठे हैं इसमें बोट में, यहाँ पर भी बोट है। ये देखिए, यहाँ पर भी बोट। विजिबिलिटी कम होने के कारण, धुंध होने के कारण फ्रेंड्स, हमें साफ साफ क्लियर कुछ दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी शाम होते होते धुंध छा जाता है सब तरफ। ये देखिए,
पर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये अल्ट्रा S23 है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, बहुत सारी यहाँ पर मछली पाई जाती है, अलग अलग प्रजाति की मछली पालन किया जाता है यहाँ पर। और ये जो पानी है इसको किसानों को दिया जाता है सिंचाई के लिए। हो गया मित्रों, टाइम हो गया है 4 बज रहा है अभी शाम का, और ये सन सोने के अंडे जैसे दिख रहा है, सोने के गोले जैसे दिख रहा है, क्योंकि अब सूरज डूबने वाला है। विंटर सीजन है और शाम होते होते 5-5:30 बजे सनसेट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है लोगों के लिए, और ये डैम है पूरा समूचा एरिया। ये पीछे का हिस्सा है, सामने का हिस्सा, इसके बाद ये जो दिख रहा है जंगल, उसके बाद और डैम है, काफ़ी बड़ा डैम है, दो हिस्सों में फैला है डैम। तांदुला नहर यहाँ से निकला हुआ है। ये डैम दो हिस्सों में फैला है, ये पहला भाग है, उसके बाद ये जंगल दिख रहा है मित्रों। जंगल के बाद और डैम है जो इससे काफ़ी बड़ा, इससे विशाल है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तांदुला डैम कितना बड़ा है। और पर्यटक यहाँ पर रोज़ आते हैं घूमने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इसका क्षमता जो है, भराव क्षमता 43 फीट है, और अभी 24 फीट तक पानी है अभी। ये देखिए, पानी काफ़ी साफ है। अनेक तरह की यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती है, अलग अलग फिश है यहाँ पर, मछली पालन किया जाता है। और ये मेरा मित्र है राकेश, इसके साथ आए हम लोग घूमने के लिए। ये शहर है और ये नहर गया है आगे शहर की ओर। ये देखिए शहर है, बहुत बड़ा डैम है, ऐसा डैम आसपास में नहीं है। धुंध के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म। आज हम बालोद के बहुत ही प्रसिद्ध डैम में आए हैं जिसको तांदुला डैम कहते हैं। तांदुला डैम काफ़ी विशाल है, मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बोटिंग की जाती है, और GK में भी आता है तांदुला डैम। और धुंध होने के कारण मित्रों मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी धुंध है, धुंध होने के कारण कुछ विजिबिलिटी ना के बराबर है, इसलिए हमें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती है, बर्ड्स हैं, और यहाँ पर बोटिंग की जा रही है, कम से कम 20-30 बोटिंग बोट यहाँ पर चलाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बोट, पेट्रोल वाला बोट, और इसमें यात्रियों से 50-50 रुपये शुल्क लेकर यहाँ पर घुमाया जाता है। और धुंध के कारण यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप आना चाहते हैं, छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं, तो बालोद आप आइए। बालोद से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये डैम, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, मैं राकेश के साथ हूँ। और बहुत ही बड़ा डैम है, मैं फिर से कहूँगा राकेश को कि इस डैम को दिखाया जाए, काफ़ी बड़ा डैम है। और मैं चाहता हूँ आप तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से कि डैम को चाहता हूँ जूम कर। बालोद की लाइफ लाइन कही जाती है, बालोद का ये हृदय है, बालोद का दिल है, लाइफ लाइन है, क्योंकि ये यहाँ का जो पानी है आसपास के शहरों में फिल्टर करके पानी के लिए पीने के लिए दिया जाता है। और काफ़ी बड़ा डैम है, विजिबिलिटी शून्य होने के कारण हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर पिकनिक में हजारों आदमी आते हैं, सैकड़ों आदमी आते हैं रोज, और छुट्टियों में काफ़ी लोग आते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राकेश और विजय कुमार साहू, तांदुला डैम बालोद, थैंक यू।